महानगर की सुप्रसिद्ध निर्यात फर्म मैसर्स अल्पाइन प्लस के चेयरमैन एवं वरिष्ठ समाजसेवी राजीव भंडूला ने समस्त देशवासियों और विशेषकर समस्त महानगर वासियों को कांवड़ पर्व, आगामी बकरीद के त्योहार, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस तथा रक्षाबंधन सहित आगामी सभी पर्वों एवं त्योहारों के अवसर पर अपनी तथा अल्पाइन प्लस परिवार की ओर से हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं प्रेषित की है। साथ ही ये निवेदन भी किया है कि सभी देशवासी सभी पर्वों को आपसी भाईचारे, मेल मिलाप, धार्मिक सद्भाव एवं सहिष्णुता, गंगा जमनी तहजीब और शालीनता के साथ मनाएं और आपसी भाईचारे व प्यार की परंपरा को सदैव कायम रखें। श्री भंडूला 22 जुलाई को लाकड़ी फाजलपुर बाईपास मुरादाबाद स्थित अपनी फर्म के कार्यालय में सिटी चैनल 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर अल्पाइन प्लस के डायरेक्टर्स मिथुल भंडूला व रितुल भंडूला भी मौजूद रहे। राजीव भंडूला ने इस अवसर पर कहा, सर्वप्रथम मैं सभी हिंदू भाइयों को शुभकामनाएं देता हूँ। कांवड़ की अत्यंत सुंदर माहौल जो हमारे यहाँ सोमवार को जल चढ़ाया जाता है, और साथ में उनसे निवेदन करूँगा कि किसी तरीके का हुदड़न या कोई भी ऐसा बर्ताव जो सामाजिक दृष्टि से अच्छा ना हो वो कृपया करके ना करें। हमारे समाज के सभी व्यक्ति सम्मानित हैं, सभी को सम्मान दें, सभी को साथ लेकर चलें। त्यौहार मनाना बड़ी खुशी की बात है, जल चढ़ाना बड़ी खुशी की बात है, लेकिन किसी तरीके का हुद्रम या अस्वीकार्य कृत्य वो मान्य नहीं है, जिससे हमारे समाज को और हमारी परंपरा को नुकसान पहुंचता है, हमारी छवि खराब होती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, बिल्कुल जल चढ़ाएं, खूब शौक से चढ़ाएं, लेकिन किसी आम व्यक्ति को किसी तरीके की परेशानी ना हो। और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम भाई या मेरे सहयोगी भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा कारोबार तमाम मुस्लिम भाइयों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे महत्वपूर्ण सप्लायर भी हैं, हमारे अंग हैं, उनको भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि त्यौहार को बड़े पारंपरिक ढंग से, बड़े सौहार्दपूर्ण हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाते हुए, जो हमारी तहजीब है, जो हम लोग कहते चले आए कि हम लोग एक निष्पक्ष भारत में रहते हैं, तो उस तहजीब को माने मतलब सामने रखते हुए सुंदर तरीके का उदाहरण देते हुए और मिलजुल कर सारे त्योहारों को मनाएं। आपके लिए सोमवार के सावन भी उसी तरीके के हैं और हमारे लिए ईद भी उसी तरीके की है। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं, और सभी भाइयों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ कांवड़ की, सोमवारों की और आने वाली ईद की। खुशियों के साथ आप मनाएं और मेरी यही शुभकामना। स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है हमारा, जिसे सभी मिलजुल के मनाते हैं, इस संबंध में क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों? स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए वो महत्वपूर्ण दिन है जिसको हमेशा याद किया जाता है, जिसमें हमारे वीरों ने, हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और हमें इस लायक बनाया कि आज हम एक स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में समाज में खड़े हैं, विश्व बरादरी में खड़े हैं। हमारा देश आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 4थी बनने की तरफ है। तो हमें इस देश को सैल्यूट करना चाहिए, जिस देश में हमने जन्म लिया। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम सारे भाई बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस पावन धरती पर जन्म लिया। और मेरे 100-100 प्रणाम इस धरती को, और इसके लिए कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म इस पवित्र धरती पर हुआ है। वंदे मातरम।